हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मिसेस मौसिक। आज है 7 नवंबर 2024 और टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 बजे। आज मैं उठने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, इसलिए मैंने फटाफट बिस्तर लगाया और गर्म पानी पी के चाय वाय पी के फिर मैं ऊपर से नहाने चली गई, क्योंकि मुझे जल्दी ऑफिस के लिए तैयार होना था। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से सीधे शाम को 7:30 बजे, है ना। मैंने ज़्यादा कोई वीडियोस नहीं बना पाई हूँ, लाइव शूट कर पाई हूँ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। अभी बज रहे शाम के 7:30। अभी बज रहे शाम के 7:30। मैं 7 बजे आ गई थी और फिर मैंने उसके बाद चाय वाय पिया। फिर क्या किया उसके बाद? कुछ नहीं। आते आते मैं दूध का पैकेट तो हमेशा लेके आती हूँ, और सबसे अभी लेकर आई गई था तो फ्रूट्स भी लेकर आई हूँ, केले वगैरह। फिर हाँ, मेरी गाड़ी का जो इंडिकेटर वो ख़राब हो गया था क्या, गाड़ी ठीक करने के लिए दिया था तो शायद वो ठीक करना भूल गया होगा। तो आज फिर वही मैंने गाड़ी का इंडिकेटर ठीक करवाया आते आते, तो कुछ नहीं किया। और आज सुबह भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी मैं, तो फटने सब चीज़ किया और नाश्ता तो बनी नहीं पाई थी, तो चाय टोस्ट खा के चली गई थी। देन उसके बाद क्या हुआ, मैंने लंच में ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिया था। खाना मतलब मैंने ड्राई मंचूरियन खाया था। खाना नहीं चाहिए सब कुछ ज़्यादा, लेकिन अब मैंने मन नहीं मानता ना, खा लिया ना। अब कोशिश करूँगी कि बाहर का कम खाऊँ, जंक फूड कम खाऊँ, क्योंकि मुझे करना है वज़न कम, क्योंकि बहुत बढ़ता जा रहा है। पढ़ाई थी सीरीज लाइट चालू करने के लिए, सीरीज का बटन ऊपर है, ऊपर छत में आना पड़ता है, तो वही आई थी ऊपर छत में चालू करने के लिए बटन। तो फिर मैंने सोचा यही सीढ़ियों में बैठ के ब्लॉग बना लेती हूँ। एक ही सीढ़ियों में बैठी हूँ, सीढ़ियाँ भी साफ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा है, और मैं सोच रही हूँ आज खाना तो मेरी सिस्टर ने बना ही लिया है, दाल दलिया। तो अब जो टाइम बचे का मैं उसमें करती हूँ, नीचे जो गाड़ी रखने का पार्किंग एरिया है ना, वो सफाई से साफ कर लेती हूँ, क्योंकि धूल धूल बहुत हो गया है दीपावली के बाद से, धूल नहीं है ना, तो उसको क्या है हर हफ्ते धुलना पड़ता है। सोच रही हूँ आज ही धुल लूँ या फिर सैटरडे को धुल लूँ, क्योंकि कल ही जाना है ऑफिस, उसके बाद तो छुट्टी है ही, दो दिन छुट्टी है। फिर हाँ 11 भी है। अच्छा सोच रही हूँ अब उसी दिन धुल लूँ, एक दिन और रुक जाती हूँ, एक दिन और रुक के फिर सैटरडे को ही धुल लूँगी मैं उसको अच्छे से, बाहर का पोर्शन ओछा ओछा भी लगा दूँगी। तो ऐसा है आज क्या दिन भर में क्या कौन काम ही किया, ऑफिस में जाती हूँ और कुछ तो है नहीं, कभी क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। हाँ कुछ हरी सब्जियाँ लाई हूँ मैं, जैसे पालक और मेथी लाई हूँ, लेती हूँ मतलब छाट छाट के रख लेती हूँ अच्छे अच्छे, और तो फिर ईजी रहेगा उसको फटाफट धुल के, सिर्फ काटने ही रहेगा, फिर धुल के भी रख लेती हूँ मैं उसको पनीर। तो सोचूँ अभी मैं वही काम करूँ, चलिए फिर मिलती हूँ आपसे, देखते मेरा क्या रूटीन रहता है शाम का। हाँ संध्या आरती हो चुकी है मेरी, कर लिया मैंने सबसे पहले आरती सी, मैं हाथ मुँह धो के मैं संध्या आरती करती हूँ और फिर पूजा पाठ वगैरह कर लेती हूँ, दीपक लगा लेती हूँ शाम का। शाम को दीपक ना लगाऊँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत सोना सा लगता है, अंधेरा सा लगता है घर में। तो ऐसा है मेरा ये चीज़ तो फिक्स ही है कि मुझे दिया बत्ती तो लगाना ही है, चाहे कोई घर में रहे चाहे ना रहे, मतलब आपको जल्दी भी जाना है तो सब चीज़ करके जाओ, या फिर आप शाम को आ जाओ जल्दी हो शाम को, फिर कर लो। कभी कभार क्या होता है बहुत लेट हो जाता है, फिर भी अगर 9:30 10 भी बज जाते हैं तो मैं आपके सबसे पहले वही काम करती हूँ, दिया बत्ती लगाती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करती हूँ। तो ऐसा रहता है मेरे शाम का रूटीन, दिया बत्ती करने के बाद खाना वाना बना लेती हूँ, फिर मुझे जो भी करना होता है व्लॉग एडिटिंग वगैरह या फिर कुछ साफ़ सफाई वगैरह तो मैं करती हूँ शाम को। हम बस ऐसा है, चलिए अभी तब देखती हूँ क्या क्या काम करूँ क्या नहीं करूँ, फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ, है ना। आप लोग बने ही रहिएगा मेरे ब्लॉग में।
कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। और अभी बज रहे हैं रात के 10:30-11 बज रहे होंगे, और मैंने खाना वाना खा लिया है। और मैं जो सब्ज़ियाँ लेकर आई थी, हरी सब्ज़ियाँ लेकर आई थी, मैंने उसको अच्छे अच्छे छाट छाट के रख लिया और धुल के भी रख लिए हैं, ताकि मुझे कल सुबह बनाने में दिक्कत ना हो। या थोड़ा टाइम लगता है थोड़ा सा उसको छाटने में, इसलिए मैंने अभी से ही सब करके रखा है। मैं लेकर आई थी मेथी पालक और प्याज, हरी प्याज लेकर आई थी। तो मैंने उसको सब क्लीन करके उसको धो के रख दिया है। अब वो सुबह तक थोड़ा अच्छे सूख जाएंगे, फिर मैं उसको उसे काट के, प्याज तो काट के रख लिया है, मेथी और क्या बोलते हैं उसको, पालक जो भी बनाना हो उसको तुरंत काट के फिर मैं उसको बनाऊंगी। तो ऐसा है, इससे थोड़ा मेरा काम इजी हो जाता है। मैं रात को इसको थोड़ा सा साफ करके रखती हूँ, तुरंत मतलब साफ़ कर लेती हूँ जब भी लेकर आती हूँ घर हरी सब्ज़ी। तो ये तो क्या है, दूसरे तीसरे दिन ना वो थोड़ी मुरझा जाती है और अच्छा नहीं लगता टेस्ट में भी। तो ऐसा है, खाना तो मेरा हो ही गया था, खाना खा लिया था मैंने। उसके बाद मैंने सब्ज़ियाँ बनाई, देन टीवी देखते देखते मैंने 8-9 रील्स भी शूट कर ली है। प्लीज़ आप लोग देखिएगा, सपोर्ट करिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, है ना। और चलिए इसी के साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।